जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मास्क क्यों पहना है। मेरे एरिया में जो केसेस हैं वो बहुत ही बढ़ चुका है, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मास्क पहनिए और सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और जितना हो सके घर से कम निकलिए। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या दिखाऊंगा। तो सैमसंग के कुछ ऐसे फ़ोन हैं एम सीरीज़, ए सीरीज़ और एफ सीरीज़ के अंदर, जिन फोन्स का जो ऑडियो आउटपुट है, मतलब स्पीकर का जो ऑडियो आउटपुट है, वो बहुत ही कम है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इससे पहले कमेंट पर मतलब कंप्लेन भी किया है कि सैमसंग के एम सीरीज़, ए सीरीज़, एफ सीरीज़ यूज़र्स कमेंट किया है कि उन लोगों के फ़ोन में ऑडियो आउटपुट इतना कम क्यों है, इसको कैसे फिक्स करना है, कैसे मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा, उससे पहले ये देख लो। तो प्रूफ आप लोगों ने देख लिया कि मतलब जो मेथड मैं अप्लाई करूंगा उससे पहले जो ऑडियो आउटपुट था वो मतलब कैसा था और उसके बाद ऑडियो आउटपुट कितना बढ़ चुका है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस मेथड को अप्लाई करना है, क्या मेथड है बेसिकली। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमें से बहुत सारे लोगों ने, लगभग 80% से ऊपर लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो। तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर लो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं कि मैं एक एप्लीकेशन का यूज़ करने वाला हूं और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन डाउनलोड करने से पहले मैं बता दूं कि हो सकता है कि इस एप्लीकेशन को यूज़ करने से आपका जो स्पीकर है वो डैमेज हो सकता है, और मैं मजाक नहीं कर रहा, सचमुच ऐसा हो सकता है। मेरे साथ मतलब ऐसा होते होते रह गया। तो मैं इस वीडियो में जो सेटिंग्स दिखाऊंगा, जैसे मैंने सेटअप किया है वैसे ही आपको भी करना है, नहीं तो आपका जो स्पीकर है वो सचमुच डैमेज हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे सेटअप करना है। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद इसको ओपन करना है। और ओपन करने के टाइम ये थोड़ा सा टाइम लेता है, मतलब कुछ एनिमेशन शो करता है वो, और ये थोड़ा सा टाइम लेता है। और क्योंकि ये फ्री एप्लीकेशन है इसीलिए यहाँ पर ऐड आपको शो कर सकता है। उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सो अभी आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर जो सेकेंड और थर्ड वाला ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन को आपको पहले एनेबल कर देना है। बेसिकली जो पहला वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन को अगर आप एनेबल करोगे तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इससे पहले ये बार यहाँ पर नहीं था, मतलब ये वॉल्यूम बार है जो इस ऑप्शन को एनेबल करने से यहाँ पर आ जाता है। तो ऑब्जर्व करने में आपको आसानी होगा कि मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं। और जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये आपके मोबाइल के कंपैटिबिलिटी के ऊपर है, मतलब हो सकता है एप्लीकेशन आपके मोबाइल पर शूट ना करे, मतलब काम ना करे। तो इस ऑप्शन को अगर आप टिक कर दोगे तो आपके फ़ोन का बहुत हाई चांसेस है कि आपके फ़ोन के साथ ये एप्लीकेशन काम कर ले। और ऐसा होता नहीं कि काम नहीं करेगा, ये काम करेगा ही। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जो वॉल्यूम बार है उसके लेफ्ट साइड पर वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का भी ऑप्शन है, मतलब इसको अगर मैं यहाँ पर रोटेट करूँ तो आप देख सकते हो कि जो वॉल्यूम परसेंटेज है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं यूट्यूब पर जाकर कोई भी मतलब म्यूज़िक प्ले कर लेता हूँ, और प्ले करने के टाइम आप यहाँ पर देख सकते हो जो वॉल्यूम है वो फुल है। तो चलिए अब चलते हैं उस एप्लीकेशन के अंदर। और यहाँ पर आपको मतलब म्यूज़िक सुनाई दे रहा होगा, यहाँ पर माइक से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, इसलिए म्यूज़िक सुनाई दे रहा होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है आपका स्पीकर डैमेज हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर वॉल्यूम बार जो है उसको मतलब हाफ कर लूँगा। तो पहले वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर लेता हूँ, उसके बाद जो लेफ्ट साइड पर रेगुलेटर टाइप का ऑप्शन है इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा, तो आपको यहाँ पर नोटिस होगा कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आई होप आप लोगों ने नोटिस किया कि हाँ वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। तो हो सकता है अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम को तो मैंने हाफ़ कर दिया था, उसके बाद इसको इंक्रीज़ किया, तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो चलिए अब इसको फुल कर देते हैं, और फुल करने के बाद ये है नॉर्मल मतलब साउंड। और अभी अगर मैं रेगुलेटर को मतलब इंक्रीज़ करूँ तो आपको साउंड में चेंजेस नोटिस होगा। और अगर मैं यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा कर दूँ तो आप यहाँ पर बहुत ही नॉइज़ नोटिस कर सकते हो, मतलब ऐसा सुनने में लग रहा है कि स्पीकर फट चुका है। तो यहाँ पर इसी वजह से आपका स्पीकर डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल आपको रखना है वो 5-6% रखना है इसको इंक्रीज़ करके। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इस एप्लीकेशन को यूज़ करने से बैटरी बैकअप तो मतलब डिक्रीज़ नहीं हो जाएगा, तो ऐसा होगा लेकिन बहुत ही कम होगा, और कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, इसीलिए बैटरी बैकअप थोड़ा सा मतलब डिक्रीज़ होगा लेकिन ये उतना भी नहीं होगा। तो यही एक एप्लीकेशन मुझे मिला प्ले स्टोर के अंदर जो बहुत ही बढ़िया काम करता है आपके वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए। तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो।
और अगर आपके पास इस एप्लीकेशन से भी बढ़िया कोई एप्लीकेशन है वॉल्यूम इंक्रीज करने का तो मुझे आप कमेंट सेक्शन पर बताओ, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा या फिर कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल दूंगा, आपको प्रॉपर क्रेडिट देगा। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो में कुछ भी और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।